my YouTube channel Yogita the Explorer and I am Yogita. I hope you all are doing well and staying safe. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ और आप इसको पक्का मिस मत करना, वरना बहुत कुछ मिस होने वाला है. क्योंकि सबसे पहले तो आप लोग वीडियो पॉज करो और मुझे कमेंट में ये बताओ पजामास किस किस को पसंद है. मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड आई लव पजामास. मैं सुबह शाम इसको पहन सकती हूँ, रात को सोते टाइम हर जगह पजामास मुझे बहुत ही ज़्यादा कम्फी फील करवाते हैं और इतना रिलैक्स फील होता है ना. जीन्स से तो मच बेटर, बट हमें जीन्स तो पहननी पड़ती है कभी कभी बाहर जाते वक्त एंड ऑल. बट मैं वो लड़की बिल्कुल नहीं हूँ जो दिन भर सुबह से शाम तक जीन्स पहन के रखो, तो इसीलिए मुझे पजामास तो नीडेड होते हैं. और मिंत्रा की इतनी अच्छी सेल लगी थी, एंड ऑफ रीजन सेल, तो मैंने उसको बिल्कुल मिस नहीं किया. और मुझे इतने अच्छे अच्छे ट्राउजर्स पजामास मिले हैं ना, और वो भी अंडर 400 रुपीज में. सो गर्ल्स, इमेजिन करो कितने अच्छे पजामास. एंड सारी पजामास की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड आज मैं उसी के रिव्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और एकदम ऑनेस्ट रहने वाली हूँ, नो चीटिंग. और इनका प्राइस अंडर 400 है, तो ऑफकोर्स अफोर्डेबल प्राइसेस में है. सो लास्ट तक ज़रूर देखना एंड अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर देना. अब मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ ट्राउजर्स. और हाँ, अगर अभी एंड ऑफ रीजन सेल आप लोगों से मिस हो गई हो और मैं अगर ये वीडियो पोस्ट करने में थोड़ा सा लेट हो भी सकती हूँ, तो आप लोग क्या करना कि इन पजामास का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी, तो आप लोग उनको विश लिस्ट में ऐड कर लेना और नेक्स्ट टाइम जब लगेगी सेल, ऑफ कोर्स लगेगी, सो उस टाइम पे आप लोग उसे परचेज कर सकते हो. बहुत ईजी होने वाला है. सो अब करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट. सो जो सबसे पहले पजामा है वो है फ्रॉम दी ब्रांड ड्रेसबेरी. ऑफ कोर्स इसका नाम सुना होगा आपने. ये पजामा जो है नेवी ब्लू कलर में है एंड इतना ज़्यादा अच्छा है ये पजामा. एक तो इसमें यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है ऑफ कोर्स, एंड इतनी ब्रॉड इलास्टिक लगी है तो इसमें फिटिंग्स में कोई इशू नहीं आने वाला है आपको. और उसी के साथ साथ आपको इसमें मिल जाएंगे दो पॉकेट्स इधर और फ्रंट में, आपको दो पॉकेट्स मिलने वाले हैं इसमें. और पूरा पजामा में नीचे की साइड में भी आपको थोड़ा सा रिब्ड वाली क्वालिटी मिलेगी. एंड ये पजामा जो है कॉटन में है, सो ऑफ कोर्स गर्मियों में बहुत अच्छा फील देगा ये आपको. एंड हाँ, इसको थोड़ा वॉश करने में हल्का सा कलर फेड हो सकता है, बट फिर भी इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी रही है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है. मैंने इसको ऑलरेडी एक बार पहले पहन लिया है और इसको वॉश भी करे तो थोड़ा हल्का सा कलर निकला और बाकी कुछ भी नहीं. बट इसकी क्वालिटी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. और इसका प्राइस आप लोग गेस करो, बताओ कितना है. एंड मैं बताती हूँ आपको इसका प्राइस, लेकिन इसका प्राइस है ओनली 339 रुपीज़. एंड आई गेस ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है यार. और इतना अच्छा पजामा है ना, आप इसको पेयर करो किसी भी अपनी टी शर्ट क्रॉप टॉप टॉप के साथ, इतना प्यारा लुक दे रहा है आपको. और ऐसा भी नहीं है कि आप इसे बाहर नहीं पहन सकते हो, आप इसे बाहर भी पहन सकते हो. सो गो फॉर इट. मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन पक्का कर दूंगी. और इसी के साथ साथ मैंने इसका सेम कलर एक और ऑर्डर करा है. मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया था एकदम. एक तो समर्स में ना बहुत अच्छे ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने येलो कलर का ऑर्डर किया है. एंड एकदम डार्क येलो आया तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये. इसमें भी सेम वही है, इलास्टिक वही, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है. एंड इसमें भी दो जिप दे रखी है, सॉरी दो पॉकेट्स हैं आगे पे. इसके पजामा में पूरा नीचे से ऐसा ही लुक है, नीचे से थोड़ा सा रिप्ड वाली क्वालिटी. एंड पूरा पजामा जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एंड इसका प्राइस जो है 339 रुपीज़ है. सेम प्राइस में मुझे मिले हैं दोनों चीज़ें एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हो. इसके बाद जो नेक्स्ट ट्राउज़र मैंने मंगाया है वो है फ्रॉम दी ब्रांड रोडस्टर. एंड रोस्टर के कपड़े वैसे काफ़ी अच्छे आते हैं एंड ये भी सेम प्राइस में मुझे मिला है 339 रुपीज़ में ओनली. और ये कपड़ा इतना प्यारा है ना, एक तो ये कॉटन का कपड़ा है, बीच कलर में मैंने इसे ऑर्डर किया है. बहुत ही ज़्यादा आपको क्लासी और फैंसी लगने वाला है पजामा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. एक तो इसमें आगे पे ऐसे इलास्टिक दे रखी है एंड ये दो इस टाइप के यहाँ पे वो दे रखे हैं. एंड फिर आगे आपको एक पॉकेट मिल जाएगी, एक इधर साइड पे भी और इधर साइड पे भी दो पॉकेट्स. एंड इसका ओवरऑल लुक कुछ इस टाइप का है एंड कॉटन में है ये. बीच कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, कंफर्टेबल बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. और इसमें जो है प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आप इसको ईजिली ले सकते हो. इसी का जैसा सेम पजामा मैंने फिर ऑर्डर किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो मैंने एक जो है रस्ट ब्राउन कलर में ऑर्डर किया है.
एंड ये भी सेम वैसा ही है जैसा पहला वाला पजामा दिखाया मैंने आपको, एंड इसका प्राइस भी 339 रुपीज़ है ओनली। इस कलर में है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और इतना कूल पजामा है ना, आप इसको ईजिली अफोर्ड कर सकते हो और आपको भी इतना कम्फर्टेबल फील होगा ना इसको पहन के, और आप इसको अपना बाहर जाके भी पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। एंड इसके बाद अब मैं आपको दूसरा पजामा दिखाती हूँ, सॉरी हाँ हाँ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है फ्रॉम दी ब्रांड टोक्यो टॉकीज, यस। एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले तो लास्टिक मिलने वाली है सभी पजामाज में, एंड यहाँ पर जो आगे से इसमें दो गोदे रखे इतने इस टाइप का कुछ ये भी लगा हुआ है, एंड हाँ ये जो है थोड़ा सा पॉलिस्टर वाला कपड़ा है, एंड यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन है, मतलब थोड़ा सा ऐसा हो रखा है, और इसका कपड़ा थोड़ा सा रेयन टाइप है तो थोड़ा प्रॉब्लम होने वाली है, बट कंफर्टेबल के नाम में इसमें 10 out of 10 है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड इसका जो मैंने साइज़ ऑर्डर किया है अपने लिए वो है 30 साइज, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये पजामा भी, आप इसको भी जा सकते हो, और ये साथ ही साथ आप इसको अपने किसी भी कुर्ती वगैरह के साथ भी पेयर कर सकते हो, ये उसके साथ भी चला जाएगा क्योंकि थोड़ा सा उस टाइप में लुक दे रहा था तो मैंने इसको ट्राई किया था, तो आप लोग भी इसमें ट्राई कर सकते हो कि अपनी कुर्तीज़ वगैरह भी इसमें आप मैच कर सकते हो। तो और इसका प्राइस बताओ आपको कितना है, एक बार देख लेती हूँ। सो इसका प्राइस है 243 रुपीज़ यार, कितना अच्छा प्राइस है, और इतने अच्छे प्राइस में आपको इतना अच्छा पजामा मिल रहा है, सो प्लीज़ गर्ल्स गो फॉर इट। इसके बाद मैंने अपने लिए एक जॉगर्स ऑर्डर किया जो कि मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया ये, और इसकी जो ब्रांड है वो है टोक्यो टॉकीज़, मैंने एक स्काई ब्लू टाइप में ऑर्डर किया है इसे, और क्योंकि अब मानसून का सीजन भी तो आने वाला है ना, और ये जो पजामा है इसमें एक तो नीचे की साइड में भी आपको इलास्टिक मिल जाएगी इस तरीके से, एंड इसमें भी आपको दो पॉकेट्स फ्रंट में मिल जाएंगी, एंड साइड में भी आपको पॉकेट्स ऐसे मिल जाएंगी इसमें, ऊपर से ऑफ कोर्स इलास्टिक लगा हुआ है, एंड इसका जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे ट्राउजर मिल गया है, एंड इसका जो प्राइस है वो है 381 रुपीज़ ओनली, एंड इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, ऊपर से कॉटन फैब्रिक में है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील देने वाला है आपको, कंफर्टेबल भी, और साथ ही साथ आप इसको गर्मियों में मानसून में इस टाइप में पहन सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है इसमें। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद मैंने एक अपने लिए दोबारा से ट्राउज़र ऑर्डर किया है, इसका प्राइस थोड़ा सा 400 से अबव गया है, बट इतना भी नहीं कि आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस में ही लिया है मैंने इसे। इसका जो प्राइस है वो है 466 रुपीज़ में, इसमें भी ऑफकोर्स ऊपर से इलास्टिक दे रखी है, पीछे से आपको दो पॉकेट्स मिल जाएंगी इसमें, एंड फ्रंट में भी आपको इसमें टू पॉकेट्स मिल जाएंगी, और इसमें नीचे की साइड में आपको दो इलास्टिक इस टाइप से मिल जाएंगे दोनों की साइड में इस तरीके से, एंड ये जो साइज मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है वो है 30, एकदम ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कपड़ा मिला है तो आप लोग भी इसे ले सकते हो, और इसका प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 466 रुपीज़ में, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा, आप इसको टी शर्ट वगैरह के साथ ज़रूर पेयर करिएगा, अच्छा लुक देगा आप लोगों को। इसके बाद अब मैं बात करूँ तो मैंने एक थोड़ा सा लाइन कलर भी ऑर्डर करा है अपने लिए, एंड ये जिस ब्रांड से मैंने ऑर्डर करा है वो है रोडस्टर ऑफकोर्स, एंड ये वाला पजामा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, ये इतना फैला फैला सब था ना, बड़ा मज़ा आ रहा था इसमें, तो इसमें ऑफकोर्स पहले ऊपर से ऐसे इलास्टिक दे रखा है, एंड इसमें येलो के साथ साथ जो है आपको वाइट कलर की ऐसे स्ट्रिप मिल जाएंगी, इसमें पीछे की साइड में तो कोई पॉकेट नहीं है बट आगे में दो पॉकेट्स हैं, एंड ये मैंने अपने साइज से थोड़ा बड़ा साइज ऑर्डर करा था क्योंकि एकदम मैंने सोचा कि थोड़ा लूज वाला पजामा भी ऑर्डर करके देख लेते हैं कि किस तरीके का है, नीचे की साइड में आपको ऑफकोर्स इलास्टिक मिल जाएगा इसमें, और पूरा पजामा कुछ इस टाइप से ही, मैंने साइज अपने लिए एल ऑर्डर करा है इसमें, इसकी जो पॉकेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं नॉर्मल ऑफ कोर्स आगे की साइड में, और काफी अच्छा स्पेस है पॉकेट में भी, एंड इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो प्राइस है वो है 251 रुपीज़ ओनली, इतना सस्ता मिल रहा भाई आपको एंड ऑफ सीजन सेल में, यही फायदा है 251 में, इतना अच्छा पजामा मेरे हाथ लग गया है, सो यस मैंने इसको अपने पास रख लिया है। एंड इसके बाद जो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है ये थोड़ा आउट ऑफ द बजट हो सकता है बट ये काफ़ी काम की चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बजट है तो बिल्कुल भी काम नहीं है इसमें, मैंने इसको बहुत सोच समझ के लिया है वैसे, एंड इसका प्राइस मैं पहले आपको बता देती हूँ, इसका प्राइस है 700
149 rupees का एंड ये ऑफकोर्स जॉकी ब्रांड का है। मैंने एक ब्लैक कलर की ना कैप्री टाइप ऑर्डर करी है अपने लिए, क्योंकि इसका ना बहुत ज्यादा फायदा रहता है। एक तो कभी भी अगर शॉर्ट ड्रेस पहनने में आप कंफर्टेबल नहीं हो कहीं जाने में, तो आप उसके नीचे इसको पेयर कर सकते हो, ऑफकोर्स किसी क्रॉप टी शर्ट के साथ, टी शर्ट के साथ, टॉप के साथ, एक सबके साथ चले जाता है। तो मैंने पहले भी अपने लिए ली थी, बट मुझे वो वाली मैंने इतनी यूज कर ली थी कि उसमें पूरी उसकी मैंने मतलब जितने पैसे लगाए थे मैं सब वसूल कर लिए थे। तो मैंने दोबारा से अपने लिए ऑर्डर करा है एंड ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है ऑफकोर्स। एंड इसका जो मैंने साइज ऑर्डर करा है अपने लिए वो है मीडियम साइज ऑफकोर्स, और ये घुटने से थोड़ा सा नीचे है, तो ड्रेसेस वगैरह के साथ सबके साथ बहुत अच्छे से चले जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अगर आप लोग ऐसे हो कि आपको शॉर्ट्स वगैरह में पहनने में दिक्कत है, तो आप कोई भी शॉर्ट ड्रेस अगर पहन रहे हो तो उसके नीचे से इसको डाल लो, बहुत अच्छा लगने वाला है। आपकी मन की ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएंगी कि आपने शॉर्ट ड्रेस पहनी है, और किसी का सुनना भी नहीं पड़ेगा अगर ऐसा है कुछ तो। सो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरे जॉगर्स, ट्राउजर्स वगैरह अच्छे लगे हों, और अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर लेना, एंड ऑफकोर्स पसंद आया होगा तो कमेंट और शेयर भी कर देना। ओके ओके, मिलती हूँ आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ या फिर एक नई हॉल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, टेक केयर, बाय बाय।